आज के सत्र का पहला प्रश्न है। हम प्रयास करके असफल होने पर प्रयास ना छोड़ें, इसके लिए क्या करें? प्रयास करने वाले कभी कभी असफलता को भी प्राप्त करते हैं, लेकिन यदि अपने प्रयास को यदि हम करते रहेंगे तो सफलता एक दिन जरूर कदम चूमती है। इंग्लिश में एक प्रॉवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रयास करने से ही हम परफेक्ट या सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। एक महान वायलिन वादक से जब पूछा कि आप इतना सुंदर कैसे बजाते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम नियमित रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। यदि हम एक महीने प्रयास ना करें तो श्रोता उसमें फर्क समझ लेते हैं कि हमने रियाज नहीं किया। यदि एक हफ्ता यदि हम रियाज नहीं करते तो पत्नी हमारी फर्क बता देती है, और यदि एक दिन भी हम रियाज ना करें तो खुद ही वहां पर हमें फर्क समझ में आने लगता है। तो प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। एक व्यक्ति के बारे में आप सुनेंगे कि 21 साल की उम्र में उसने व्यापार प्रारंभ किया लेकिन सफलता नहीं मिली। 22 साल की उम्र में उसने चुनाव लड़ा, उसमें भी हार गया। 24 साल में पुनः उसने व्यापार किया, उसमें पुनः असफल हो गया। 26 साल में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। 27 साल की उम्र में उसने डिप्रेशन का शिकार होकर के बहुत समय व्यतीत किया। 34 साल की उम्र में फिर चुनाव हारा। 45 साल की उम्र में सीनेट के चुनाव को हारा। 47 साल की उम्र में उपराष्ट्रपति के चुनाव को हारा। फिर 48 साल की उम्र में फिर सीनेट का चुनाव हारा। इतनी बार असफल होने के बाद में भी उसने प्रयास नहीं छोड़ा, और 52 साल की उम्र में उसने राष्ट्रपति के चुनाव को जीता। वो अब्राहम लिंकन था। ऐसे लोगों से हम प्रेरणा लेकर के यदि प्रयास करते रहेंगे तो अवश्य ही एक दिन सफलता हमारे हाथों में प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, सुनते हैं कषायें एक समय में एक उदय में आती हैं और बाकी सब कषायें उसमें संक्रमित हो जाती हैं, वो कैसे होता है? इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और अधिकांश लोग यहाँ पर लोभ कसाय के उदय से धर्म का लाभ ऐसे भावों से यहाँ पर बैठे हैं। कुछ लोगों के मन में मान कसाय भी हो सकती है, कुछ लोग माया के बस में भी बैठे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को भी कषाय में क्रोध का उदय नहीं है। जैसे ही किसी को क्रोध का उदय आए और उस समय में वो देख करके कि यदि इस समय में क्रोध करेंगे तो लोग यहाँ पर हमारे ऊपर हंसेंगे, तो वो क्रोध को दबा करके वो मान में परिवर्तित हो जाता है और बाद में उसको सम्मान की भावना आ जाती है। और यदि लोग यहाँ पर हमको सम्मान नहीं देते हैं तो वो बाहर चला जाता है, और बाहर जाने के बाद में वहाँ पर कहता है कि वहाँ पर जगह नहीं थी, हम दूसरे लोगों के लिए जगह देने के लिए यहाँ पर बाहर आ गए हैं। तो इस प्रकार से फिर पुनः वहाँ पर माया में वो परिवर्तित हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ भी हम धर्म के लोग से बैठे हैं, कुछ लोगों को यहाँ पर ना होकर के धर्म का लोग बाहर की ओर खींच रहा है, तो इस प्रकार से उसमें दिशा हम दे सकते हैं। धन के लोग को हम धर्म के लोग में परिवर्तित कर सकते हैं। ये पुरुषार्थ हमारे ऊपर आधारित रहता है। एक बार एक पत्नी ने पति से कहा कि मेरा भाई वैराग्य के मार्ग पर बढ़ना चाहता है, लेकिन वो वहां पर दीक्षा लेने की सोच रहा है लेकिन दीक्षा नहीं ले पा रहा है। तो सुनकर के उसके पति ने कहा कि भाई जब भूख लगती है तो लोग सोचते कहाँ है, भोजन कर लेते हैं, तो तुम्हारा भाई जो है अब
अभी इसको सच्चा वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है। यदि सच्चा वैराग्य प्राप्त होता तो उसको इतना विलंब नहीं लगता। वो वहां पर पत्नी सुनकर के कहती है कि आप भी तो वहां पर रोज प्रवचन सुनने जाते हो, क्या आपके मन में वैराग्य के भाव उत्पन्न हुए? और उस समय में पति वहां पर विचार करके कहता है कि चलो किसी के माध्यम से सही हमारे मन में वैराग्य के अंकुर तो उत्पन्न हो गए। और वो कहना चाह रही थी कि हमारे भाई को जाकर के समझाओ, और उसके पहले ही वो वहां पर निकल गया। तो इन कषायों को दिशा हम दे सकते हैं, तो इसके माध्यम से यदि हम शुभ जगह पर उसको ले जाएं तो वहां पर जो अशुभ कषाय हैं वो भी शुभ के रूप में परिणत हो सकती है। अगला प्रश्न है, तिरेंच गति मायाचारी से मिलती है, उस माया के स्वरूप को समझाइए। तत्वासूत्र सूत्र आता है माया तिरेंच्योनस से, और इस माया के माध्यम से तिरेंच गति प्राप्त होती है। और इस माया के यदि अपन अक्षर को देखें तो मां या मां का अर्थ निषेधात्मक होता है कि ये नहीं, मां या का अर्थ है ये नहीं। इसमें दिखावा प्रदर्शन होता है, अलग अलग तरह के अपन मुखौटे लगा करके दिन भर जीते रहते हैं। दुकान पर अलग मुखौटा होता है, घर पर अलग मुखौटा होता है, किसी छोटे के सामने अलग मुखौटा होता है, बड़े के सामने अलग मुखौटा होता है। तो ये व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है प्रदर्शन से भरा हुआ, ये ही माया का स्वरूप है। जैसे हम लोग फोटो खिंचवाने के लिए जाएं और वहां पर सबके मन में एक भाव रहता है, मुख से निकल ही जाता है। वैसे आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, लोग सेल्फी आदि खींचते ही रहते हैं, लेकिन पहले के जमाने में जब जाते थे तो उससे कहते थे भाई जरा अच्छा सा फोटो खींचना। इसका मतलब है जो हूँ वैसा नहीं, कुछ अलग दिखना चाहिए। एक व्यक्ति ने जो कि फोटोग्राफर था, उसने अपने संस्मरण में लिखा कि जब उसने फोटोग्राफी शुरू की तो उसने सोचा कि लोगों की मानसिकता का फायदा उठाना चाहिए। सभी लोग अच्छे से अच्छा फोटो खिंचाना चाहते हैं, तो उसने वहां पर बोर्ड लगा दिया कि आप जैसे हैं, यदि आप वैसा फोटो खिंचवाना चाहते हैं तो केवल 5 रुपए में आपको फोटो मिल जाएगा। यदि आप जैसे होना चाहिए तो आपके लिए 10 रुपए लगेंगे। और तीसरा फोटो, आप जैसा लोगों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं, यदि वो फोटो चाहते हैं तो आपको 25 रुपए लगेंगे। और उसने लिखा कि मैंने अपनी जिंदगी में एक ही व्यक्ति नहीं देखा जिसने 5 रुपए का फोटो खींचने के लिए कहा। सभी लोग 25 रुपए के ही फोटो को पसंद करते रहे, और इसके माध्यम से मेरी जो आमदनी बहुत अच्छी चलती है। तो ये जो है दृष्टि है कि व्यक्ति सामने प्रदर्शित जो कुछ और कुछ करना चाहता है होता कुछ और है, यही माया का स्वरूप है। अगला प्रश्न है, शुकर की पर्याय किसे प्राप्त होती है? बहुत सारे पशुओं के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कि लोगों को लेने का, उठाने का, थपथपाने का मन हो जाता है, लेकिन शुकर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई छूना भी पसंद नहीं करता है। अब ऐसी पर्याय क्यों उनके लिए प्राप्त होती है, तो उसके बारे में भले ही सांप का भी छोटा सा बच्चा हो और छोटे से बच्चे वहां पर जाकर के जिससे फैली नहीं जानते जिसके स्वरूप को, वो भी उसको वहां पर पकड़ने के लिए लालायित हो सकते, लेकिन शुकर के बच्चों के लिए पसंद नहीं करते। तो ये पर्याय कैसे प्राप्त हुई है? उसने कारण बताया है कि जो व्यक्ति अत्यंत अहंकारी होता है, जो सबको तुच्छ समझता है, ऐसा व्यक्ति शुकर की पर्याय को प्राप्त होता है। और जो मुनिराजों के साथ में भी कुटिलता का व्यवहार करता है, छल कपट करना जिसका स्वभाव साधुओं के सामने भी नहीं छूटता, ऐसा व्यक्ति शुकर की पर्याय को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कहा जाता है कि विवाह समान कुल और शील वालों में होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है? जहां पर समान आचरण व्यवहार आदि होता है तो फिर वहां पर उनके बीच में
मित्रता के भाव, प्रेम के भाव मरते हैं और जहाँ समानता नहीं होती वहाँ पर सामंजस्य नहीं होता और उनका जीवन सुख से व्यतीत नहीं होता। जहाँ भिन्न कुल वालों के साथ में जिनके रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार एकदम अलग होते हैं, उनसे अपरिचित होते हैं, तो वहाँ पर वो एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बैठा पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते और फिर उसके कारण छोटी छोटी बातों पर विवाद होने लगते हैं। वैसे बोलते तो हैं जब संबंध करते हैं तो उस समय में कुल को देखना चाहिए, वंश को देखना चाहिए, विचारों को देखना चाहिए, लेकिन जहाँ पर केवल रूप को देख करके या धन को देख करके विवाह होते हैं फिर वहाँ पर इस प्रकार के देह विवाह में वहाँ पर तलाक तक की नौबत पहुँचती है तो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहती। जहाँ यदि समान धन की भी यदि बात की जाए, जो बहुत पैसे लेकर के यदि बहू आती है तो वो घर में तमाशा दिखाने में विश्वास करती है। जो बहू धन को लेकर के आती है वो सेवा ना करके अपनी सास से ही सेवा करवाने के भाव रखती है। गरीब घर में अमीर घर की बेटी वहाँ पर राज करना चाहती है, काम कैसे कर सकती है, और गरीब घर का जो बेटा है यदि वो अमीर घर की लड़की से विवाह करता है तो उसको वहाँ पर ससुराल में हीन भावना से भी देखा जाता है। गरीब बेटी यदि अमीर घर में जाती है तो वहाँ पर उसको दासी की दृष्टि से भी देखा जाता है। इस प्रकार की स्थितियाँ जहाँ पर समान कुल और शील वालों में नहीं होता ये देखी जाती हैं, इसलिए इस बात को कहा जाता है कि समान कुल शील वालों में विवाह होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हम मनुष्य किन कर्मों के फल से बने हुए हैं। व्यक्ति के लिए इस पर तो विचार अवश्य करना चाहिए कि वर्तमान की इस पर्याय को हमने कैसे प्राप्त किया और आगे की पर्याय हमें कैसी प्राप्त हो। यदि हम वर्तमान की पर्याय की ओर दृष्टि डालें कि हम मनुष्य बने हैं तो किस कारणों से बने हैं और उसके लिए आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने तत्व सूत्र में छठे अध्याय में अल्पारंभ परिकृतम मानुष्यस्य और दूसरा स्वभाव मार्गोचर, ये दो सूत्र मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के लिए होते हैं। इसका मतलब है अल्प आरंभ यानी अपने जीवन में कम पाप करके हमने अपने जीवन को व्यतीत किया होगा और अल्प परिग्रह बहुत थोड़े में संतुष्ट होने वाले रहे होंगे, इसके माध्यम से हमारे लिए ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। और स्वभाव से कोमलता मृदुता, कई कई बार लोग दूसरों के सामने बड़े विनम्र बन जाते हैं लेकिन उसके पीछे उनका कोई मन में इच्छा रहती है उसको प्राप्त करने के लिए विनम्र बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्वभाव से ऐसी कोमलता जिसको भी देख करके किसी के सामने प्रदर्शित करने की भावना से नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी स्वाभाविक भद्र परिणाम वाली बात जहाँ पर कोई चार बात सुनाने की क्षमता हो और फिर भी वहाँ पर दो भी कहने का मन ना हो, ऐसी जो है वहाँ पर स्थिति होगी। बड़े जी के जीवन में कई बार ऐसे प्रसंग आए और उन्होंने उस समय में कि भैया कर लेने दो, अपन ने तो नहीं किया ना, इस प्रकार से वो अपने आप को भी समझाते थे और दूसरों को भी समझाते थे। ऐसे भद्र प्रणामी और ऐसे संतोषी जीव भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त करते हैं। ये पहले ऐसे परिणामों को हमने अपने जीवन में किया होगा। इसके साथ साथ में और भी ज्ञान है तो उसमें स्वागत तत्परता, किसी को भी जब मिलना होता है तो उसमें बड़े स्वागत की भावना से, बड़े अच्छे परिणामों से उसे जब मिलते हैं तो ये भी मनुष्य के आश्रम का कारण आचार्य अंग देव ने राजवाद में लिखा है। शुभ समाचार कहने में रुचि, जब कोई मिलते हैं तो कोई लोग अच्छी बातें कहते हैं जिसको सुनाते हुए उनको भी हर्ष होता है और सुनने वाले के लिए भी हर्ष होता है, और कई लोगों के लिए ऐसा रहता है कि जब भी मिलो तो वो कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम मानते हैं, सुनने वाले भी वहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं। तो पहले शुभ समाचार कहने में हमारी रुचि रही होगी, उससे हमने इस पर्याय को प्राप्त किया। और लोक यात्रानुग्रह, तीर्थ यात्रा कराने का
भाव होना, स्वयं तो करते ही यात्रा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरित करना, अच्छे तीर्थों के बारे में बताना, उनसे जहाँ पर किसी के लिए अनुकूलता ना हो के लिए अनुकूलता आदि बना लेना, ये भी मनुष्य पर्याय के आश्रम के कारण में लिखा है। और ईर्ष्या रहित परिणाम, जिसमें दूसरों के सुख को देख करके जलन के भाव ना हो, उसके माध्यम से भी मनुष्य पर्याय को प्राप्ति होती है। तो इन हम यदि गुणों को देखें, इन गुणों के माध्यम से हमने इस पर्याय को प्राप्त किया है। अब आगे की तैयारी के लिए इनमें से कौन कौन से गुणों का हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं, जिससे कि कम से कम अगले भव में मनुष्य बन सके। यदि हमारे इस प्रकार के गुण नहीं है तो जो कुछ हमने प्राप्त किया है आगे वो प्राप्त नहीं होगा, और ऊपर उठने के लिए तो और चारित्रादी गुणों की आवश्यकता होती है। तो जो धोखे का जो कहा जाता है कि वो सौदा घाटे का ना हो जाए, इस दृष्टि से कम जिन गुणों से हमने मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है उतने गुणों को तो अपने जीवन में अपने लिए आलम्बन लेकर के अच्छा जीवन बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रभु भक्ति से अपने प्रयोजन की सिद्धि होती है या नहीं? जब भगवान की भक्ति की जाती है तो उस समय में परिणामों में निर्मलता वहां पर अवश्य ही प्राप्त होती है, और उसके माध्यम से वहां पर पुण्य कर्म का आश्रय भी होता है, और बंधे हुए पाप कर्म की वहां पर निर्जरा भी होती है, उसमें मंदता पड़ती है, और इसके माध्यम से वहां पर जो सांसारिक दुख देने वाले कर्म है उनका अभाव घट जाता है, और अशुभ कर्म भी शुभ के रूप में भी पन्न संक्रमित हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जहां पर यदि हम स्तोत्रों की कथानकों को देखें कि वहां पर स्तोत्रों के माध्यम से जिस प्रकार के कार्य हुए हैं, तो वहां पर पुण्यबंध होने से रोगों का शमन आदि भी हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की भक्ति से ये कार्य होते हैं, लेकिन जब भक्ति निष्काम भाव से की जाती है तब वो ज्यादा फलित होती है। यदि हम कोई अपेक्षा रख करके भक्ति करते हैं तो उस समय में ऐसा ही होता है कि उससे काम बन गया और उसके बाद में हमारा काम हट गया, काम सट गया तो उसके बाद में हम वहां से हट गए। तो जैसा कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे होए। इस प्रकार से जहां पर कोई अपेक्षा के बिना भक्ति की जाती है तो उस प्रकार से उसमें ज्यादा लाभ होता है। और मोक्ष मार्ग में जिन जिन चीजों से बताया गया है कि निर्जरा होती है, पुण्य का आश्रय होता है, उनमें जिसको भगवान में आस्था होती है वो सब चीजों को अपने अच्छे हृदय से स्वीकार करता है, उसमें वहां पर तर्क वितर्क नहीं करता। अगला प्रश्न है, स्वाध्याय का क्रम क्या होना चाहिए? स्वाध्याय का क्रम यदि अपन देखें तो इसलिए देखना जरूरी है कि अक्रम स्वाध्याय बहुत किया लोगों ने लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। तो क्रम से यदि स्वाध्याय करना है तो उसके लिए अपने लिए आचार्य प्रणीत ग्रंथों को, जिसमें कि अब अच्छी तरह से उनकी हिंदी टीकाएं आदि भी हो गई हैं, ऐसे ग्रंथों में अपन छैडाला, रत्नकंठ श्रावकाचार, द्रव्य संग्रह, मोक्ष शास्त्र, सबसे पहले इनका क्रम से अध्ययन करें, और इतना अध्ययन करने के बाद में अपने लिए शास्त्रों की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो समझ में आने लगेंगी। और उस समय में जैसे कि आचार्य समर्थ स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार में प्रथमानियों, करणानियों, चरणानियों और द्रव्यानियों इस चार अनियोगों में विभक्त करके वहां पर बताया है, तो सबसे पहले वहां पर प्रथमान योग का अध्ययन करें, जिसके माध्यम से पुण्य और पाप आदि के फल को जानने में हम समर्थ हो पाएंगे। फिर चार गति, काल चक्र और लोकालोक का ज्ञान करने के लिए करणानियोग के ग्रंथ पढ़े, फिर श्रावकों का जो आचरण होता है, साधुओं का जो आचरण होता है, उसका ज्ञान करने के लिए चरणानियोग के ग्रंथों का अध्ययन करें। इन तीनों का अध्ययन होने के बाद में फिर आत्मतत्व का जो सूक्ष्म ज्ञान कराने वाला है, ऐसे द्रव्यानियों के ग्रंथ परमान प्रकाश संसार समयसर आदि का अध्ययन करें। यदि कोई अन्य नियमों का अभ्यास किए बिना सीधा द्रव्यानियों के ग्रंथों को पढ़ता है तो उस समय में वो आचार्यों के अभिप्राय को नहीं जान पाएगा,
वर्तमान में यही देखा जा रहा है और उसी के कारण में लोग एकांती बनते जा रहे हैं, इसलिए हमें क्रम पूर्वक स्वाध्याय करना चाहिए। अगला प्रश्न है, श्रावक किसे कहते हैं? श्रावक शब्द के विभिन्न अर्थ हैं। विद्वजन कहते हैं कि जो श्रावक में तीन शब्द हैं, शा का अर्थ होता है श्रद्धावान, वा का अर्थ होता है विवेकवान और का अर्थ होता है क्रियावान। जो तीनों से युक्त हो उसे श्रावक कहते हैं। श्रावक धर्म प्रकाश में वहां पर जो सम्यक दृष्टि हो, जिसको भगवान में आस्था हो, अणुव्रतों को जिसने धारण किया हो और जो प्रतिदिन साधुओं से गृहस्थ और मुनियों के आचार धर्म को सुनता है, वह श्रावक कहलाता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार जो श्रद्धा पूर्वक जनवाणी सुनता है, धन का दान करता है, भगवान में सच्ची आस्था रखता है, पुण्य के कार्य को करता है, व्रतों को धारण करता है, वह श्रावक कहलाता है। और पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में लिखा है कि जो अणुव्रतों को धारण करके पंचम प्रस्थान वर्ती होता है, वह श्रावक कहलाता है। अगला प्रश्न है, शूद्र कितने प्रकार के होते हैं और वे कहाँ तक के व्रतों को धारण कर सकते हैं? शूद्रों का वर्णन दो प्रकार का आता है कि एक होते हैं स्पृश्य शूद्र और दूसरे अस्पृश्य, जिनकी छुई वस्त्रों को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे धोबी के द्वारा धुले वस्त्रों को आप ले लेते हैं, कुम्हार के बने हुए घड़ों को ले लेते हैं, तो ये अस्पृश्य शूद्र में नहीं आते, ये स्पृश्य शूद्र है। और जिनको छू जाने पर स्नान आदि करना पड़ता है, ऐसे लोगों को चांडाल आदि को अस्पृश्य शूद्र कहा जाता है। इनमें से दोनों में से जो स्पृश्य शूद्र हैं वो जैन धर्म का पालन कर सकते हैं, प्रतिमा को भी धारण कर सकते हैं और वो चाहे तो आगे बढ़ करके छुल्लक तक बनने की योग्यता रखते हैं। और जो अस्पृश्य शूद्र रहते हैं वे व्रतों को धारण कर सकते हैं लेकिन छुल्लक आदि नहीं बन सकते, उनको मंदिर में प्रवेश की अनुमति भी नहीं है। फिर भी यदि वो धर्म का पालन करना चाहें तो मानसतम आदि में विराजमान या मंदिर के शिखर आदि के दर्शन करके वहां पर वो धर्म का पालन अपने जीवन में कर सकते हैं। अजस्सी से कई बार ऐसे लोगों ने नियम भी लिए और उन्होंने कहा, तो अजस्सी ने कहा कि धर्म तो स्वतंत्र है, कोई भी पालन कर सकता है, चाहे वो ऐसी बात हो कि भले ही अंदर प्रवेश ना कर पाए लेकिन धर्म तो अपने घर में रहकर के भी किया जा सकता है, द्वार पर बैठ कर के भी किया जा सकता है। और उन्होंने स्वीकार किया, मंदिर में कोई प्रवेश नहीं किया, बाहर बैठ कर के पूरे परिवार में रात्रि में पानी तक नहीं पीते हैं, ऐसे भी। और अजस्सी ने उसमें कहा कि ये तो आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं लेकिन कल इस बात के लिए मत कहना कि फिर बाकी समाज भी हमको स्वीकार करे, ऐसी बात नहीं रखते हो तो आप लोग धर्म का पालन कर सकते हैं, वो लोग अच्छी तरह से धर्म का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, पहली प्रतिमाधारी को क्या नियम लेने होते हैं? 11 प्रतिमाओं का वर्णन आता है, रत्न सागर शामिल अचल स्वामी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो जो भगवान में आस्था रखता हो और साथ साथ में सात व्यसन का त्यागी हो, अष्टभुवन गुणों का धारण करने वाला हो और उसमें भी कोई दोष ना लगे, इस प्रकार से जो श्रावक के षट कर्म हैं उनका पालन करता हो, अनीति अन्याय और भोष का त्यागी हो, छना पानी पीता हो, रात्रि में भोजन नहीं करता हो, बाजार का भोजन आदि अभक्ष भक्षण से दूर रहता हो, गुटखा तंबाकू आदि मादक पदार्थों का सेवन नहीं करता हो, अशुद्ध दवाओं से बचता हो, सच्चे देवसा गुरु का परम भक्त हो, वो वहां पर प्रतिमाओं को पहली प्रतिमा को ग्रहण करने के योग्य है और उसमें किन्हीं आचार्य या साधु के समीप में जाकर के उसको प्रतिमाओं को ग्रहण करना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रातः काल उत्तर के कौन सी भावनाएं भाना चाहिए? अच्छा श्री सुबह सुबह छोटी तीर्थंकर भगवान की स्तुति स्वयं का पाठ करते हैं और उसके बाद में कुछ श्लोकों का वो रोज पाठ करते हैं, उसमें एक पाठ एक श्लोक छत्र चूड़ामणि का जो अक्षय बाधी सिंह का रचित है, को हम कीर्तिक गुणन
किम प्राप्य के निमित्त का इतकी भव प्रति हम नोचे दस पानी ही मकर हो गए कि प्रतिदिन व्यक्ति के लिए विचार करना चाहिए कि कौन हम, मैं कौन हूँ, कीकृ गुणा मेरे कौन से गुण है, किम प्राप्य मुझे क्या प्राप्त करना है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, किम निमित्त का उसमें कौन कौन निमित्त बन सकते हैं। इत्यों हम प्रत्यहम नोचे इस प्रकार का रोज यदि कोई विचार नहीं करता तो उसकी मति अस्थान में चली जाती है, यानी फिर वहां पर वो धर्म के मार्ग से मति में रह करके अधर्म के मार्ग में चली जाती है। इस प्रकार का जो विचार करता है वो धर्म मार्ग पर उसकी मति बनी रहती है। तो ऐसा विचार प्रतिदिन प्रत्येक श्रावक के लिए सुबह उठने पर करना चाहिए। और प्रणव सागर के महाराज ने इसी श्लोक को दूसरे रूप में थोड़ा सा पहली पंक्ति को परिवर्तित करके कि सोहम पितृ गुणा स्वयं प्राप्त निर्णय का और आगे का कोई पंक्ति है तो उसमें सोहम जैसे भगवान है वैसा ही मेरा स्वरूप है, पितृ गुणा दर्शन और ज्ञान ये दो गुण मेरे आत्मा का ये स्वभाव है और स्वयं प्राप्त मुझे अपने आप को प्राप्त करना है और स्वयं निर्णय का बाकी सब तो उसमें सहयोगी बन सकते हैं मार्ग दिखा सकते हैं लेकिन चलना तो स्वयं हमको ही पड़ेगा। इस प्रकार से जो लोग प्रतिदिन चिंतन नहीं करते उनकी मति स्थान में अधर में चली जाती है। ऐसे कुछ बिंदुओं को लेकर के अपने लिए प्रतिदिन अपन लोग सुबह जब उठते हैं तो ऐसा ना हो कि सुबह उठकर के और संसार की जो रोज की दौड़ होती है वो चालू हो जाए, थोड़ी देर वहां पर उठ करके थोड़ा समय अपने विचार करना चाहिए कि हम कौन हैं। इस प्रकार के एक श्रीमद रायचंद हुए जो गांधी जी के गुरु कहलाते हैं वो कहते थे कि प्रत्येक दिन व्यक्ति के लिए तीन बातों का चिंतन करना चाहिए। उनके वो तीन बिंदु हैं कि काल सिर पर सवार है, मृत्यु पर कोई भरोसा नहीं। अभी कोरोना के काल में तो इस बात ने अच्छी तरह से दिखा दिया है कि मृत्यु पर कोई भरोसा नहीं, कब किसको मृत्यु जो है अपने ग्रास बना ले कोई भरोसा। तो ये काल सबके सिर पर सवार है और कदम कदम पर पाप पड़ता है, हम जब तक बाहर नहीं निकलते तब तक जैसे हम बाहर कदम बढ़ाते हैं हर चीज में वहां पर यदि हम सावधानी नहीं बरतते हैं तो वहां पर जीवों की हिंसा होती है, वो पाप का मीटर चालू हो जाता है। पूरे देखें पर जब तक दिन भर अपन कार्य करते रहते हैं केवल सामान्य का एक ऐसा काल होता है उसमें व्यक्ति हिंसा से ऊपर उठ पाता नहीं तो वहां पर हिंसा का मीटर उसका चलता रहता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि आंख खोलते ही जहर चलता है, विषयों का और दृष्टि जैसे ही जाती है आत्मा की इंद्रियों के माध्यम से और वो विष जो है हमारे लिए ग्रसित करने वाला होता है। इस प्रकार से ऐसे उनके बिंदु ऐसे कोई बिंदुओं को लेकर के एक आचार्य कुलकर्ण महाराज का समय साल की एक गाथा है उसको भी विचार करके परमाणु में कि मैं एक हूँ और निश्चय से शुद्ध हूँ स्वरूप वाला हूँ और दंशन और ज्ञान मेरे स्वरूप है और मेरा आत्मा का कोई रूप नहीं, अरूपी ये शरीर मेरा नहीं, शरीर में हम निवास कर रहे हैं ये किराए की कोठी है, किराए की कोठी पर ही हम कब्जा मान करके उसको अपना मान रहे हैं। नियति मध्य किंचिति मेरा कुछ भी नहीं है, अन्न परमाणु वित्तमपि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इस प्रकार का यदि हम प्रतिदिन विचार करें तो फिर जो भोगों के लिए दौड़ चल रही है उसमें कुछ ना कुछ विराम अवश्य आ सकता है, उसके माध्यम से हम संतोष को प्राप्त करके जिन चीजों में हम संतुष्ट हो सकते हैं लेकिन और की जो हवस है उसके माध्यम से हम अपनी शांति को खो चुके हैं उसको हम पुनः प्राप्त कर सकते। अगला प्रश्न है प्रमोद भाव क्या कहलाता है, जहाँ सामयिक पाठ में चार प्रकार की भावनाएं आती हैं उसमें गुणीशुभ प्रमोदम जो गुणी जीव होते हैं उनको देख करके आह्लाद भाव होना प्रसन्नता के भाव होना ये प्रमोद भाव कहलाता है। आप लोग मैत्री
भावना जो मेरी भावना में आता है, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, यही प्रबोध भाव कहलाता है। बड़े हर्ष के साथ में जब आप लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उस समय में भी आप लोग जैसे जय जयकारी करते हैं, उसमें बड़े हर्ष के साथ में उनके मन में कई कई बार ऐसा लगता है कि गुरु की ओर भी दृष्टि जाए। कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोग बिना नागा के तक समय पर आकर के भगवान की आराधना के लिए पहुंच जाते हैं, उनका गुरु देखोगा, उस गुरु की ओर दृष्टि डालोगे तो आपको वहां पर हो सकता है व्यक्ति और कुछ गुण नहीं हो उसमें, वो एक गुण ही उसका बहुत बड़ा हो सकता है। एक बार एक बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने उनके जहां पर बैंक में एक चपरासी काम करता था, और वो चपरासी जब आया तो उसको उन्होंने दादा कहकर के बुलाया। तो उस समय में व्यक्ति ने पूछा कि आपके यहाँ पर एक चपरासी है और आप उसको दादा करके बोल रहे हो? अरे कहने ऐसा पंक्चुअल व्यक्ति मैंने जिंदगी में नहीं देखा, इसके आने से आप घड़ी बना सकते हो और हम अपने जीवन में एक दिन टाइम में नहीं आए होंगे, और ये व्यक्ति प्रतिदिन टाइम पर आता है तो कितना बड़ा व्यक्ति, भले वो चपरासी है लेकिन हमारी दृष्टि में बहुत बड़ा व्यक्ति। तो ऐसे भी अगर किसी गुणों को देख करके अपने मान में भाग कर और उनको बड़े गुणों से युक्त मान करके और अच्छे से उनका अभिवादन करें तो वो भी वो प्रबोध भाव प्रकट होता है। कहते हैं कि जब मिलते हैं जहां पर सज्जन लोगों को तो कैसी स्थिति होती है, चार मिले चौसठ खिले, चार मिले चौसठ खिले, मिले बीस कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर से सात करो। चार मिले तो उन्होंने चार नेत्र मिलते हैं और चौसठ खिले, बत्तीसों दान वहां पर खिल जाते हैं, तो इसके बत्तीस बत्तीस मिलकर के चौसठ हो गए, और मिलो बीस कर जोड़, अपनी दस दस उंगलियां मिलकर के और वहां पर हाथ जोड़ करके बीस हो गए हो, और सज्जन से सज्जन मिले हर से सात करो। शरीर में जो रोम होते हैं वो साढ़े तीन करोड़ होते हैं, तो दोनों के मिलकर के सात करोड़ रोम वहां पर हर्षित हो जाते हैं। ऐसे भावों से जब मिला जाता है तो उसको वहां पर प्रमोद भाव कहा जाता है। ऐसे भावों के साथ में यदि हम किसी के लिए दर्शन करते हैं गुणवानों के, और यदि इस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं तो वो भी हमारे लिए एक अच्छी भावना प्रतिदिन भावने के योग्य हो सकती है। अगला प्रश्न है, श्यामवार महाविद्यालय बनारस खुलने का रहस्य क्या है? एक बार पहले भी बताया था इसके बारे में कि पंडित जी जब बनारस में अध्ययन करने के लिए पहुंचे और वहां पर एक ब्राह्मण विद्वान जिनका नाम पंडित जीवनाथ शास्त्री था, उनसे पढ़ने के लिए वो अपने दो धर्मग्रंथ, एक प्रमेय ग्रंथमाला और एक आप्त परीक्षा, इन ग्रंथों को लेकर के गए, और उन्होंने वहां पर एक रुपए की वहां पर गुरु दक्षिणा स्वरूप उस जमाने में बहुत कीमत थी उसकी, उसको उनके सामने रखा। उन्होंने कहा आज तो दिन ठीक नहीं है, कल ठीक रहेगा, और जब उनकी दृष्टि उन ग्रंथों पर गई और जिसमें जैन आचार्यों के नाम लिखे हुए थे तो उनके मन में ऐसा विद्वेष का भाव आया कि उन्होंने पुस्तकें और रुपए उठा करके फेंक दी। और जब उस समय में ऐसी दृष्टि को उन्होंने देखा वहां पर और मन में कि मैं ऐसे नास्तिकों को नहीं पढ़ाना चाहता जिन नास्तिकों के द्वारा रचित ग्रंथों को नहीं पढ़ाना चाहता, ऐसे जब शब्दों को सुना तो पंडित जी को बड़ा खेद उत्पन्न हुआ कि मेरे कारण में जिनवाणी की अभ्यय हुई, उसको उठाया उनका मंत्रा नहीं पड़ा, और उस समय उनके मन में विचार आया कि जिस धरा पर पार्श्वनाथ भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान का जन्म हुआ है और वहां पर जैनों के लिए अध्ययन के लिए कोई स्थान नहीं है, तो उस समय में एक झम्मन लाल जी कामा अफरा के एक सेठ थे, वहां पर उनके सामने उन्होंने अपनी पीड़ा को व्यक्त किया और उस समय में उन्हें एक रुपए का सिक्का उनके लिए दिया, और उस समय में चौसठ पोस्ट कार्ड उसके एक रुपए के आते थे, और उन्होंने उसको खरीद करके और जितने भी सेठ थे उनके पते लेकर के सबको वहां पर पत्र लिखा कि जैन छात्रों को पढ़ने के लिए पाठशाला भगवान की स्थली पर कोई स्थान नहीं है, उसके लिए आप सहयोग करें। तो बहुत सारे लोगों ने वहां पर सहयोग दिया
और उस समय एक बाबा भागीरथ थे जो उनको भुजाने मिले थे, वो भी जैन नहीं थे, उन्होंने भी पद्म प्राण सुनकर के जैन धर्म स्वीकार किया था। फिर वो दोनों ही महापर्व धर्मशाला में ठहरे हुए थे और उन्होंने फिर प्रयास करके खनादि की व्यवस्था हो गई तो श्यामा विद्यालय भदेरी घाट में खुलवाया था और उसमें जो बाबा भगीरथ थे वो वहां पर अधिष्ठाता बने और ये प्रथम छात्र बने। ऐसा ने स्वयं इस विद्यालय को खुलवाया, उसी में उन्होंने अध्ययन किया, ऐसा जो है श्यामा महाविद्यालय बनारस के खुलने का रहस्य है। अगला प्रश्न है, सम्मेलन शिखर की टोकरों पर चरण को क्या महिलाएं छू सकती हैं? सम्मेलन शिखर पर जहां पर टोकरों पर जो चरण बने हुए हैं वो चरण नहीं, वो चरण चिन्ह है। अपने यहाँ चिन्ह बनाए जाते हैं, जब भगवान को मोक्ष होता है तो उस समय में इंद्र अपने वज्र के माध्यम से चिन्ह बनाता है। गिरनार की टोक पर, पांचवी टोक पर जो बड़े बड़े चरण है भगवान के, वो मूल चरण है। बाकी सब जगह तो शिखर जी में तो परिवर्तन हो गया, वो दूसरे चरण को वहां पर चरण चिन्ह को, हाँ तो पांचवी टॉप पर भी वो चिन्ह है आदि नैना भगवान के, वो ओरिजिनल चिन्ह है वहां पर जहाँ से उनको मुक्ति प्राप्त हुई, तो उसके माध्यम से वो चरण चिन्ह है, चरण नहीं है। अपने यहाँ पर चरण चिन्हों का स्थान, तो चरण नहीं है तो भगवान के चरण छूने छूना है, तो चरण चिन्ह को छूना है तो उसको छूने में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी उसको छू सकता है। बस सूतक पातक में जरूर उनको नहीं छूना चाहिए कि उसका प्रभाव दूसरों के ऊपर भी पड़ सकता है। और ऐसा एक बार कोई सुना भी रहा था कि आजकल कैसी स्थिति हो गई है, पहले तो लोग जब जाते थे तो उस समय में सारे सब कुछ त्याग करके जाते थे, कोई किसी का संबंध नहीं रहता था, तो सूतक पातक की खबर ही नहीं मिलती थी। अब आजकल तो वहीं ऊपर पहुंच गए और कह रहे हैं कि भैया हम बिल्कुल भगवान के चरणों को छूने जा रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, और ये चरण छूना तुम्हारे लिए सूतक पातक लग चुका है, तो ऐसी स्थिति भी हो जाती है। तो इसलिए यानी वहां पर यदि अच्छी अवस्था में है तो उसको चरण में कोई भी छू सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी ने नहीं छूने हो तो आगे जाकर के इस बार में से एक बार अपने वहां पर उनके चरण चिन्हों को छूने का प्रयास करें और उनके चरणों के अनुसार अपने जीवन को भी बनाने का। अगला प्रश्न है, केवल प्रार्थना करने से मुक्ति प्राप्त हो सकती है क्या? ये तो वैसा ही प्रश्न है जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में वहां पर कहा जाता है कि केवल श्रद्धान से मुक्ति नहीं होती, केवल ज्ञान से मुक्ति नहीं होती और केवल क्रिया से मुक्ति नहीं होती। तीनों जब मिलते हैं तभी वो मुक्ति का मार्ग बनता है। इसी प्रकार से केवल प्रार्थना से मुक्ति नहीं हो सकती। अब जैसे कोई व्यक्ति झांसी से दिल्ली की गाड़ी में बैठा हो और वो गाड़ी चल रही है और वहां पर वो प्रार्थना करेंगे, हे भगवान मैं शिखर जी पहुंच जाऊं, शिखर जी पहुंच जाऊं, तो कैसे पहुंच सकता है? तो उसके अनुसार अपने को प्रयास भी करना पड़ेगा, केवल प्रार्थना करने से नहीं, उसी के माध्यम से हम मुक्ति के लिए जो कषायों का समय है, पापों का त्याग है, तभी जाकर के हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बूढ़ा कौन है? बूढ़ा कौन है? किसी विद्वान ने कहा है कि जिसने सीखना छोड़ दिया है, कोई नई चीज को सीखना जिसने छोड़ दिया है वो बूढ़ा है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि छोटी उम्र का बच्चा भी बूढ़ा हो जाए यदि वो भी सीखने से मना कर दे, और बहुत उम्र होने के बाद में भी जिसके मन में सीखने की अभी ललक है वो भी वहां पर वृद्धत्व को प्राप्त नहीं है। इसलिए अपने लिए अंत समय तक सीखना नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ रोज सीख करके अपने लिए आगे बढ़ते रहना। छोटी छोटी गाथाओं को भी यदि पाठ किया जाए तो उनको बार बार पाठ करने से कितनी भी उम्र हो जाए उनको अपन स्मरण कर सकते हैं। इसका मतलब है बुढ़ापा जो है केवल एक मानसिकता है, यदि व्यक्ति चाहे तो हमेशा सीखने का प्रयास कर सकता है। भागीरथ मिश्र की वो पंक्तियां, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सुधरे तू उस जगह से बढ़ के सो। इसलिए अपने लिए कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहना चाहिए जिससे कि अपन वृद्धत्व पर आंशिक विजय को प्राप्त कर ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, दीवान अमरचंद जी को फांसी पर चढ़ाया गया था क्या?
दीवान अमरचंद जी के बारे में बहुत सारे किस्से सुनने में आते हैं। एक किस्सा तो उनका बड़ा प्रसिद्ध है कि जब राजा ने उनके लिए अपने शेर को कि अब तुम्हें दो दिन इसको संभालना है और क्या खिलाना है तुम जाओ, जो स्वयं शाकाहारी थे, शाकाहार का समर्थन करते थे, उस शेर की जिम्मेदारी उनके लिए सौंप दी। और उन्होंने कहते हैं कि वहां पर उनके उस दृश्य को देखने के लिए सारे लोग वहां पर एक स्टेडियम में मौजूद थे और वहां उन्होंने अपने घर से शुद्ध जलेबियों को बढ़वा करके वो लेकर के पहुंच गए और उसके द्वार को खोल करके वहां पर स्वयं प्रवेश कर गए और सामने रख दी कि हे वनराज, यदि तुम्हें अपनी भूख मिटाना है बेटी तो इनके माध्यम से ही मिटा सकते हो और यदि केवल तुम्हें मांस ही खाना है तो मैं किसी दूसरे जीव का हरण नहीं कर सकता, मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ, तुम अपनी भूख मिटा सकते। और कहते हैं उनके वचनों के ऐसा प्रभाव था कि वो वनराज जी वहां पर जो जलेबी का ढाब था उसमें जलेबी खाने सारे लोग देख करके आश्चर्यचकित रह गए थे। एक और उनके जीवन की घटना आती है कि एक बार वो दरबार में थे और कुछ आवश्यक कार्य में वहां पर राजा के पास नहीं चर्चा चल रही थी और एक दरबार ने आकर के कहा कि कोई आपके रिश्तेदार आए हैं और वो आपको इतना सारू भाई कह रहे हैं, बहुत जरूरी काम चल रहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर बाद, उन्होंने कहा कि वो कह रहे हैं कि हमको बहुत जल्दी जाना है और उनकी हालत को देख करके लगता है कि बहुत गरीब है। तो राजा ने कहा कि आपने तो बताया कि कोई आपके ऐसे साधु भाई भी हैं जो बहुत गरीब हैं। तो थोड़ी देर उन्होंने विचार करके वहां पर कहा कि हाँ, उनको सम्मान के साथ में लेकर के आ जाओ। और जब वो सम्मान के साथ में उनको लेकर के पहुंचे, उनको उनके कपड़ों की दुर्दशा को देख करके सारे दरबारी वहां पर बड़े आश्चर्य के साथ में देख रहे थे। और उस समय अमरचंद जी दीवान ने कहा कि राजन, ये मेरे साधु भाई ऐसे हैं कि देवनी कर्म की दो पुत्रियां हैं, एक साता और एक असाता। साता के साथ में मेरा विवाह हुआ है और इनका असाता के साथ में विवाह हुआ है। अब दोनों बहनों के हम दोनों पति हैं तो हम लोग साधु भाई हैं और उन्होंने उनकी अच्छी मदद करके वहां से विदा कर दिया। तो ऐसे अमरचंद जी दीवान का एक प्रसंग है। और तीसरा प्रसंग था, एक बार अकाल पड़ा, उस समय में उन्होंने दानशाला खुलवाई और उस दानशाला में वहां पर एक साल तक उसको चलाया। उसने ऐसी स्थिति बन गई कि वो अपनी पत्नी के आभूषण तक बेचना पड़े, उनको वहां पर मंगल सूत्र को भी रखने के लिए वो तैयार हो गए, ऐसी स्थिति हो गई थी। और उस समय में किसी ने कहा कि आप धन्य हैं दीवान जी, वहां पर उन्होंने कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहा, दानी हो दीवान जी किंतु नहीं कुछ मान, भूख नहीं कुछ नाम की, धन्य ज्ञान और मान। यानी ऐसा ज्ञान है आपके पास में कि नाम के लिए कोई भी अपेक्षा नहीं। उस बात पे अमरचंद जी ने उत्तर दिया, तंदन तो है सदा पराया, तंदन तो है सदा पराया, हे अदेय मेरी ज्ञान। अपने ज्ञान को किसी को नहीं दे सकते, पर वस्तु पर को देगी तो उसमें कैसा था। जो पर वस्तु है जो किसी की देगी तो उसमें क्या दान दिया हमने, हमने अपनी ही कहां दान की। इनके बारे में प्रश्न किया गया है कि एक बार जो अंग्रेजों का जमाना था उस समय में वहां जयपुर के गवर्नर की किसी ने हत्या कर दी और उस समय में वहां पर जो अंग्रेजी अधिकारी थे उन्होंने वहां पर कहा कि हम सामूहिक कत्लेआम यहां पर मचा देंगे यदि कोई स्वीकार नहीं करेगा कि हमने उनको मारा। तो उस समय में अमरचंद जी दीवान ने सोचा कि मेरे रहते हुए निर्दोष लोग मारे जाए, अब मेरा जीवन तो अंत समय में है, कभी पके फल के समान है, कभी टपक सकता है और इतने सारे लोग यदि निर्दोष मारे जाए तो ये अच्छा नहीं है। और उन्होंने वहां पर स्वीकार कर लिया कि मैंने उस अंग्रेज को मारा है और अंग्रेज अफसरों ने उनकी बात मान ली और उनके लिए वहां पर फांसी पर चढ़ने का आदेश दिया। जब उनका अंत समय आया तो अंतरिक्षा पूछी जाती है और अंतरिक्षा में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि जो दीवान जी का मंदिर है वहां पर आदिनाथ भगवान के दर्शन आपको करना है,
कस्टडी में उनको वहां पर लेकर के गए और उन्होंने आदिनाथ भगवान के दर्शन करके चरणों में नमन करके भगवान से कहा कि भगवान ये आत्मघात नहीं है। नहीं तो लोग कैसे समझ रहे हैं कि इन्होंने तो आत्महत्या कर दी है, मैंने तो केवल निर्दोष जीवों को रक्षा के भाव से ऐसा कार्य किया है। और उस समय उन्होंने एक बार नमोकार मंत्र का एक कायोत्सर वहां पर नौवा नमोकार मंत्र का कायोत्सर किया, भगवान को याद किया और बैठे बैठे ही वो झुक गए यानी उनके प्राण वहां पर। फिर उनके मृत शरीर को ले जाकर के चूंकि ऐसा नियम है वहां पर कि फांसी पर ही उनकी मृत्यु लिखी थी यहाँ पर उसमें कि उनकी फांसी पर इनकी मृत्यु होगी, तो उनको मृत शरीर को वहां पर फांसी पर चढ़ा करके उन्होंने अपनी रसम आदि पूर्ण की। अगला प्रश्न है, खुले आकाश में साधु के आहार हो सकते हैं क्या? जंगल आदि में जब कोई साधुओं के आहार होते हैं तो खुले आकाश में ही आहार होते हैं, वहां पर कोई नई एरी घर आदि तो खुले आकाश में आहार होने में कोई बाधा नहीं है। 1980 में जब आचार्य श्री का होता का चतुर्मास था उसके बाद में उनका व्यवहार हुआ और 70-80 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पंप था नहीं, समझ गए हो क्या? पेट्रोल पंप यानी साधुओं के निवास नहीं थे। फिर आसपास के शहरों के लोगों को पता पड़ा, वो सारी अपनी गंदी गंदी व्यवस्था करके वहां तक पहुंचे जहां पर आचार्य श्री का दूसरे दिन सुबह व्यवहार चल रहा था। फिर उन्होंने उसी समय के यहाँ पर व्यवहार कराएंगे, आचार्य श्री को रोका, संतों को रोका, सब पेड़ के नीचे वहां पर बैठ गए और एक छोटा सा कोई टकरा था वहां पर, दूर दूर तक कोई स्थान नहीं था और उसमें ही बड़ी मुश्किल विकल्पों के साथ में आहार की वहां पर तैयारी की और मन में लग रहा था कि कोई व्यवस्था भी नहीं है कैसे, तो मिट्टी के ही पांडे जैसे बना करके खेत की मिट्टी को ही ऊंचा करके वहां पर और पानी लेकर के वो लोग वहां पर पहुंच गए। और उस समय में कमंडल में जल डाला, बाद में उनका प्रणाम किया। महाराज लोग जब वहां पर गए तो उस समय में सबके एक उनका साहस को ही देख करके कि ऐसा उन्होंने प्रयास किया ऐसी स्थिति में और वहां पर इन लोगों के दिली ऐसी व्यवस्था में भी वहां पर हंसी जैसी आ गई थी, लेकिन अच्छी तरह से वहां पर सबके आहार संपन्न हो गए। जब श्री राम और सीता आदि ने जब जंगल में आहार दिए होंगे तो ऐसी ही व्यवस्था वहां पर बना करके दिए होंगे, इसलिए खुले आकाश में साधुओं के आहार होने में कोई भी बाधा नहीं है। अगला प्रश्न है, मौन क्या है? मौन स्वयं के पास लौटने का सेतु है। जब हम बोलते हैं भाषा के माध्यम से हम बाहर चले जाते हैं, भाषा पर से जोड़ती है और स्वयं से तोड़ देती है, यानी हम अपने आप तत्व को इस समय जानने में समर्थ नहीं हो सकते। तो मौन जो है वो पर से तोड़ करके स्वयं से जोड़ने वाला कार्य करता है। शब्दों के माध्यम से हम बाहर से जोड़ते हैं तो इसलिए मौन जब कोई व्यक्ति रखता है तो उसके शब्दों में भी बड़ा प्रभाव हो जाता है। और उस समय दृष्टि ऐसी होनी चाहिए कि शब्द कोई मिट्टी नहीं है कि उनको उठा करके और बाहर फेंक दिए, जैसे कहा जाता है उदयखंड में कि उठाई थी और तलवार से मार दी, ऐसी स्थिति ना हो। जब कोई व्यक्ति मौत धारण करता है तो उसके लिए इस प्रकार की दृष्टि प्राप्त होती है। शब्द ही मोती के समान होते हैं, एक एक शब्द का सोच समझ करके प्रयोग करना चाहिए। अब थोड़ी देर के लिए कम ध्यान करेंगे, सभी लोग ध्यान की भूमिका को बनाने का प्रयास करें। अपने मन रूपी पक्षी को उड़ान देते हुए पहुंचते हैं पार्श्वनाथ भगवान के उस क्षेत्र पर जिसका नाम है कचनेर। कचनेर अतिशय क्षेत्र जहां पर पार्श्वनाथ भगवान की अति मनोहर प्रतिमा जिसका अतिशय कि सिर धड़ से अलग हो चुका था और लोगों ने उस प्रतिमा के जोड़ने के लिए वहां पर कुछ विक्रम अपनाया भगवान की भक्ति की और वो टूटा हुआ सिर धड़ से पुनः वहां पर जुड़ गया। आज भी वहां पर स्पष्ट रेखाएं दिखलाई देती हैं
ऐसे कचनेर के पार्श्वनाथ भगवान को निहारते हुए उनकी ऊर्जा को अपनी ओर आह्वान करेंगे। आवाहन पर वो ऊर्जा आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है, बरस रही है। मस्तिष्क, नेत्र, नासिका, मुख, कर्ण, कंठ, फेफड़े, हृदय, छोटी आंख, बड़ी आंख, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयव, मेरुदंड, पीठ, कमर, कंधे हाथों में प्रवेश कर रही है। उंगली की पोल तक पहुंच करके हाथों की सारी समस्याओं को दूर करके जंघाओं में, घुटनों की समस्त परेशानियों को दूर करके पिंडलियों में, टखनों में, एड़ियों में, तलवों में, अंगूठे से सभी उंगलियों में पहुंच करके उसने पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को अपने आगोश में लेकर के निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है। जैसा लाभ कचनेर के पार्श्वनाथ भगवान की ऊर्जा का हमने प्राप्त किया, सारे संसार को मिले ऐसी भावना से अपने दोनों हाथों से इस ऊर्जा को पूरे लोक में फैलते हुए देखें। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी जिन वाणी